श्री विज्ञान नगर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए सेकंड ईयर हिस्ट्री सेकंड राजस्थान का इतिहास के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है सामेई का युद्ध। गिरी सामेई का युद्ध, इसके कारण और परिणाम। सामेई का युद्ध, जैसा कि शेरशाह सूरी और मारवाड़ के शासक राव गंगा के पुत्र राव मालदेव की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। सामेई के युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी रहा था तथा मालदेव पराजित हो गया था। सामेई का युद्ध जनवरी 1544 में सामेई के मैदान में लड़ा गया था, जो जैसा कि राव गंगा की मृत्यु के पश्चात जोधपुर का मारवाड़ का शासक राव मालदेव बनते हैं। राव मालदेव जो कि एक शूरवीर व्यक्ति था, महत्वाकांक्षी सम्राट था, जिसने अपनी महत्वाकांक्षी के चलते अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। तो राव मालदेव एक महत्वाकांक्षी पराक्रमी और वीर शासक थे। उसने अपने पराक्रम और सैन्य शक्ति की जो धाक है राजस्थान में ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तरी भारत में स्थापित कर दी थी। राव मालदेव ने रायपुर, जालौर, मेवाड़ के क्षेत्रों, मेड़ता, अजमेर, बीकानेर आदि राज्यों पर विजय प्राप्त की थी और अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। दूसरी ओर शेरशाह सूरी भी एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी सम्राट था। 1540 में शेरशाह सूरी ने कन्नौज और चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित कर दिया था तथा उसका पीछा करना जारी रखा था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिल्ली और आगरा पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था, लेकिन अब शेरशाह सूरी संपूर्ण उत्तरी भारत पर भी एकाधिकार करना चाहता था। अतः मालदेव और शेरशाह सूरी की सेनाओं के बीच संघर्ष होना अनिवार्य था। इसके अलावा हुमायूं के प्रश्न को लेकर भी शेरशाह सूरी और मारवाड़ के शासक मालदेव के बीच तनाव बढ़ गया था, क्योंकि मालदेव ने हुमायूं की कोई सहायता नहीं की थी। फिर भी जो मारवाड़ है शेरशाह सूरी के आक्रमण से बच नहीं पाया और परिणाम स्वरूप जनवरी 1544 में सामेई के युद्ध में यह युद्ध लड़ा जाता है। यह युद्ध ऐतिहासिक युद्धों में इस युद्ध की गिनती की जाती है, तो इस युद्ध को गिरी सामेई के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कल हमने सामेई के युद्ध के प्रमुख पासों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके अंतर्गत सामेई के युद्ध का पहला कारण बताया था शेरशाह मालदेव की महत्वाकांक्षा। तो जैसा कि शेरशाह सूरी और मालदेव दोनों ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहे थे, शेरशाह सूरी जो कि संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था और वह मारवाड़ जैसे स्वतंत्र राज्य को सहन करने को तैयार नहीं था। अतः शेरशाह सूरी ने मारवाड़ की शक्ति का दमन करने का निश्चय कर लिया था। दूसरी ओर मालदेव भी एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी सम्राट था, जिसने अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। अजमेर, बीकानेर, मेड़ता आदि राज्यों पर इसने विजय प्राप्त की तथा मेवाड़ के क्षेत्रों पर मालदेव ने अपना एकाधिकार स्थापित किया था। अतः अब वह संपूर्ण उत्तरी भारत पर भी एकाधिकार करना चाहता था, क्योंकि मालदेव की सैन्य शक्ति की धार अब स्थापित हो चुकी थी। अब मालदेव के राज्य की जो सीमाएं
शेरशाह सूरी के राज्य की सीमाओं से जा मिली थी, अतः दोनों पक्षों के बीच जो है संघर्ष की संभावना बढ़ गई थी। इस प्रकार शेरशाह सूरी और मालदेव दोनों ही महत्वाकांक्षी थे, तो महत्वाकांक्षी जो है दोनों पक्षों की तनाव का एक मुख्य कारण बनी थी, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दूसरा है वायु के कारण वैमनस्यता की भावना बढ़ना। दूसरा कारण है कि हुमायूं के कारण भी शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच तनाव बढ़ गया था। 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था और उसका पीछा करना जारी रखा था, तो इस पर मालदेव ने अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के चलते 1541 में मालदेव ने हुमायूं को मारवाड़ आने का निमंत्रण दिया था, परंतु हुमायूं ने लापरवाही के कारण इस निमंत्रण पर कोई ध्यान नहीं दिया और एक वर्ष का बहुमूल्य समय नष्ट कर वह 1542 में मारवाड़ पहुंचा। उस समय परिस्थितियां बदल चुकी थी, तो ऐसी स्थिति में जब हुमायूं मारवाड़ पहुंचा तो इससे शेरशाह सूरी को चिंता हुई, क्योंकि भविष्य में मालदेव और हुमायूं का जो गठबंधन है वह शेरशाह सूरी के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता था। अतः शेरशाह सूरी ने अपना एक दूत भेजकर मालदेव के पास अपना एक दूत भेजकर कहा कि हुमायूं को बंदी बनाकर वह उसके हवाले करे, लेकिन मालदेव ने हुमायूं को बंदी नहीं बनाया। इस पर शेरशाह सूरी जो है मालदेव से नाराज हो गया और उसे दंडित करने का निश्चय कर लिया था। तो चूंकि हुमायूं की मालदेव ने कोई सहायता नहीं की, लेकिन फिर भी जो मारवाड़ है शेरशाह सूरी के आक्रमण से बच नहीं पाया। दूसरा है मालदेव के विरोधी रणहोड़ द्वारा शेरशाह सूरी की सहायता करना। तो मालदेव ने बीकानेर और मेड़ता पर अधिकार करके वहां के शासकों को अपना शत्रु बना लिया था। बीकानेर के शासक कल्याणमल और मेड़ता के शासक वीरमदेव, ये दोनों ही राजपूत शासक जो थे रणहोड़ शासक, ये मालदेव से नाराज होकर शेरशाह सूरी की शरण में चले गए और शेरशाह सूरी को मालदेव के विरुद्ध सैनिक सहायता देने का वचन दिया। अतः शेरशाह सूरी ने इन रणहोड़ शासकों का समर्थन पाकर उसने मालदेव के शासक मालदेव की शक्ति का दमन करने का निश्चय कर लिया था। शेरशाह सूरी ने इन रणहोड़ शासकों का समर्थन पाकर मारवाड़ के शासक मालदेव की शक्ति को कुचलने का निश्चय कर लिया था। नेक्स्ट है मारवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। इस समय मालदेव ने मारवाड़ तथा जोधपुर में अपने साम्राज्य का काफी विस्तार कर लिया था, जिसके कारण शेरशाह सूरी जो है चिंतित हुआ, क्योंकि शेरशाह जो सूरी है मारवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर सकता था। मालदेव ने राजस्थान में ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना अधिकार जमाने का निश्चय कर रखा था। मालदेव के राज्य की जो सीमाएं हैं शेरशाह सूरी के साम्राज्य से जा मिली थी, अतः शेरशाह सूरी को अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अब मारवाड़ से संघर्ष करना अनिवार्य बन चुका था। नेक्स्ट है समस्त उत्तरी भारत पर कानून का प्रभुत्व स्थापित करना। शेरशाह सूरी समस्त उत्तरी भारत पर अफगानों का प्रभुत्व जमाना चाहता था, लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति में जो मारवाड़ राज्य है बाधा बना हुआ था। अतः उस समय जो मारवाड़ था काफी शक्तिशाली राज्य भी था, अतः शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर अफगानों का प्रभुत्व स्थापित करने का निश्चय कर लिया। तो इस प्रकार मालदेव और शेरशाह में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। शेरशाह सूरी इस्लाम धर्म को स्थापित करना चाहता था, जबकि मालदेव हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक था। तो इस प्रकार धार्मिक विभेद अथवा द्वेष की जो भावना है दोनों पक्षों में तनाव का कारण बनी, क्योंकि शेरशाह सूरी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, तो दूसरी ओर जो मालदेव है हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक था। इस प्रकार धार्मिक द्वेष की भावना के कारण भी
दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया था। आइए हम देखते हैं संघर्ष युद्ध की घटनाएं। तो इस प्रकार मालदेव की जो सेना पर आक्रमण करने से पहले शेरशाह सूरी ने युद्ध की समुचित तैयारी व्यवस्था की और एक विशाल सेना का निर्माण किया। 1543 में 80,000 सैनिकों और एक शक्तिशाली तोपखाने के साथ शेरशाह ने आगरा से प्रस्थान किया था। लगभग एक मास तक शेरशाह और मालदेव की जो सेनाएं थी एक दूसरे के सामने पड़ी रही। इस समय मालदेव की स्थिति काफी मजबूत थी और शेरशाह की स्थिति कमजोर थी। अतः अब शेरशाह सूरी ने राजपूतों में फूट डालने का निश्चय कर लिया। शेरशाह सूरी ने मालदेव के सरदारों की ओर से कुछ जाली पत्र तैयार करवाए। इसका आशय यह था कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व शेष ये जो उसके समर्थक हैं मालदेव के, उसका साथ छोड़कर शेरशाह सूरी से जा मिलेंगे और शेरशाह सूरी के जो समर्थक हैं वह मालदेव को पकड़कर शेरशाह सूरी को सौंप देंगे। यह पत्र मालदेव के डेरे के पास पहुंचा दिए गए। इन पत्रों को पढ़कर जो मालदेव है अपना मानसिक संतुलन वो बैठा, उसे अपने सरदारों पर से विश्वास उठ गया और वह युद्ध क्षेत्र से भाग निकला। तो शेरशाह सूरी ने चाहे जिस युक्ति से भी काम लिया हो लेकिन मालदेव उससे अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, अपने सरदारों पर से उसको अविश्वास हो गया और अपने सरदारों से सलाह किए बिना ही वह युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग जाता है। लेकिन जिन सरदारों पर अविश्वास का आरोप लगा था वे मातृभूमि में वहीं पर डटे रहे। इन सरदारों में जेता और कुप्पा जिन पर अविश्वास का आरोप लगा था वह अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ वहीं पर डटे रहे और मालदेव के चले जाने के बाद जनवरी 1544 में बचे हुए राठौर सरदारों ने अपने सैनिकों के साथ अफगानों पर धावा बोल दिया। जेता और कुप्पा इस युद्ध में वीर गति से लड़ते हुए मारे गए, क्योंकि जेता और कुप्पा ने अपने माथे पर लगे कलंक को धो डालने का निश्चय किया था। यही कारण है कि जेता और कुप्पा ने इस युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो लगभग 20,000 सैनिकों के साथ जो है जेता और कुप्पा शेरशाह सूरी की सेना पर धावा बोल देते हैं। जेता और कुप्पा इतनी शूरवीरता के साथ लड़ते हैं कि शेरशाह सूरी की सेना के जो पांव उखड़ने लग जाते हैं, परंतु अचानक ही शेरशाह सूरी का सेनापति जलाल खान जलवानी अपनी सुरक्षित सेना के साथ युद्ध स्थल पर आ जाता है, जिससे अफगान सैनिकों का मनोबल काफी बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी इस युद्ध में शेरशाह सूरी को विजय प्राप्त करने की आशा काफी कम थी। युद्ध चल रहा था तभी शेरशाह सूरी नमाज पढ़ने लगा और इससे उसके सैनिकों का मनोबल काफी बढ़ गया। अंत में शेरशाह सूरी अपनी तोपों की मदद से और कूटनीतिक योग्यता से शेरशाह सूरी इस युद्ध में विजयी रहता है और जेता और कुप्पा जैसा कि लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस पर शेरशाह सूरी ने कहा भी था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। क्योंकि शेरशाह सूरी के पास सेना अधिक थी जबकि मालदेव की सेना कम थी, इसके बावजूद भी जो राठौर सरदार थे जेता और कुप्पा बड़ी शूरवीरता के साथ लड़े थे और ऐसी परिस्थिति में शेरशाह सूरी के जीतने की आशा कम ही थी। लेकिन बाद में उसके सेनापति जलाल खान जलवानी सुरक्षित सेना लेकर मातृभूमि अर्थात युद्ध भूमि पर आ पहुंचता है, जिससे शेरशाह सूरी की सेना का मनोबल बढ़ जाता है और शेरशाह सूरी इस युद्ध में विजय प्राप्त करने में सफल हो पाता है। तो इस प्रकार शेरशाह सूरी
सामेल युद्ध में विजयी रहता है। वो जेता और कुपा अपने 15,000 सैनिकों सहित लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस युद्ध में विजय होने के बाद शेरशाह सूरी ने अजमेर व जोधपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और जो मालदेव है सिवाना के पर्वतीय भागों में चला जाता है। तो आइए हम देखते हैं सामेल के युद्ध के क्या परिणाम रहे थे। नंबर एक है, सामेल के युद्ध का परिणाम शेरशाह सूरी इसमें विजय रहता है और मालदेव इस युद्ध में पराजित हो जाता है। पहला परिणाम है शेरशाह की स्थिति मजबूत होना। तो सामेल के युद्ध का राजस्थान के इतिहास में ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह जो युद्ध है निर्णायक युद्धों में गिना जाता है। इस युद्ध के बाद विजयी होने के बाद शेरशाह की स्थिति काफी मजबूत हो जाती है और संपूर्ण उत्तरी भारत पर जो अफगानों का प्रभाव स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है, राठौड़ों की प्रतिष्ठा को प्रबल आधार। तो सामेल के युद्ध में जो है राठौड़ों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ था। इस युद्ध में राठौड़ों की शक्ति और प्रतिष्ठा को प्रबल घात पहुंचा था। राठौड़ों का उत्तरी भारत पर एकाधिकार का जो स्वप्न है वह अधूरा रह गया था और अजमेर सॉरी और जोधपुर व अजमेर पर अफगानों का प्रभुत्व अब स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी की कीर्ति पर कलंक। शेरशाह सूरी की कीर्ति पर कलंक। शेरशाह सूरी की कीर्ति पर कलंक। क्योंकि शेरशाह सूरी ने सामेल के युद्ध में विजय प्राप्त की लेकिन फिर भी उसकी कीर्ति पर कलंक लगा, क्योंकि इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने छल और कपट का सहारा लिया था और उसी के बल पर ही उसने सामेल के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इससे साम्राज्य निर्माता के रूप में शेरशाह सूरी के महत्व में कमी भी आई। नेक्स्ट है, मारवाड़ की सॉरी राजपूतों की अदूरदर्शिता प्रकट होना। तो सामेल के युद्ध ने राजपूतों की अदूरदर्शिता प्रकट कर दी। मालदेव अपनी अदूरदर्शिता के कारण ही शेरशाह सूरी की चाल को समझ नहीं पाया और अपने सरदारों से सलाह किए बिना ही वह रात्रि में युद्ध भूमि छोड़कर चला जाता है। तो यह मालदेव का एक विवेकपूर्ण कार्य था। नेक्स्ट है, मारवाड़ की प्रतिष्ठा को प्रबल घात। तो सामेल के युद्ध में मारवाड़ की प्रतिष्ठा को प्रबल घात पहुंचा। अब जो मारवाड़ राज्य है वह राजस्थान में अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित नहीं कर पाया। शीघ्र ही मुगलों ने मारवाड़ पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया और इस युद्ध में राजपूतों के वैभव और स्वतंत्रता का भी अंत हो गया। नेक्स्ट है, राजपूतों की युद्धपत्ति की विफलता प्रकट होना। तो इस प्रकार सामेल के युद्ध ने राजपूतों की युद्धपत्ति की विफलता भी प्रकट कर दी थी। इस युद्ध ने यह बात सिद्ध कर दी कि विजय प्राप्ति के लिए शूरवीरता के साथ साथ कूटनीतिक चालें भी महत्व रखती हैं, परंतु राजपूतों में कूटनीतिक योग्यता और चातुर्यता का अभाव था। वे शेरशाह सूरी की चाल को समझ नहीं पाए, इसके कारण राजपूत है इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार सामेल के युद्ध में मालदेव पराजित होता है और शेरशाह सूरी विजयी होता है। इसका जो प्रमुख कारण है वह है राजपूतों में फूट पड़ना, क्योंकि शेरशाह सूरी ने राजपूतों में एक जाली पत्थर तैयार करवाकर राजपूतों में फूट डलवा दी थी। इसके कारण जो मालदेव है अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था और अपने सरदारों से सलाह किए बिना ही वह युद्ध भूमि छोड़कर चला जाता है। इससे सेना अव्यवस्थित हो जाती है। फिर भी जेता और रूपा शूरवीरता से लड़ते हुए इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो राजपूतों में फूट पड़ना मालदेव की पराजय का कारण रहा था। दूसरा है, शेरशाह सूरी की सैन्य शक्ति मजबूत थी, अनुशासित थी
तथा उसके पास एक शक्तिशाली तोपखाना भी था। आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से शेषासुरी ने युद्ध किया था। अतः इस युद्ध में शेषासुरी जो है अपनी कूटनीतिक योग्यता शक्तिशाली तोपखाने के कारण वह इस युद्ध में विजयी रहता है। इसके अलावा शेषासुरी की उत्तम उत्पत्ति रही थी और शेषासुरी का कुशल नेतृत्व भी इस युद्ध में शेषा की विजय का कारण था। जबकि जो मालदेव है खुद ही स्वयं युद्ध भूमि छोड़कर चला गया था, तो नेतृत्व ही सेना अव्यवस्थित हो गई थी, जिसके कारण जो मालदेव की सेना पराजित हुई। इसके अलावा मालदेव की यह दुर्दशा नीति भी इस युद्ध में मालदेव की असफलता का कारण बनी, क्योंकि मालदेव में दुर्दशा नीति का अभाव था। क्योंकि अगर उसने दूर की सोचा होगा तो वह अपने सरदारों से सलाह करता और इस प्रकार रात में अंधेरे में वो युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाता, बल्कि शेषासुरी की सेना का सामना करता और अपनी सेना को सही नेतृत्व प्रदान कर शेषासुरी से लड़ने की अगर हिम्मत दिखाता तो शायद महादेव जीत भी जाता। लेकिन महादेव में दूरदर्शिता नीति का अभाव ही रहा। उसने दूरदर्शी सम्राट महादेव नहीं था, जिसके कारण वह इस युद्ध में पराजित हो जाता है और शेषासुरी छल कपट से इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है सामेर का युद्ध यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।